तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फिल्म के बारे में जो हंसी और ड्रामा का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ब्लडी बेगर है एक चाउटिक ब्लैक कॉमेडी जिसमें केविन ने किया है जबरदस्त काम। तो तैयार हो जाओ क्योंकि इस रिव्यू के दौरान तुम्हें मिलेंगे एक्शन, कंफ्यूजन और थोड़ी सी कॉमेडी। आखिर कौन है ये ब्लडी बेगर और क्यों वो इतना इंटरेस्टिंग है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्लॉट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो फिल्म की कहानी एक ऐसे बेगर के अराउंड घूमती है जो पूरी तरह से कैपेबल है, लेकिन किस्मत से जिंदगी का कुछ ऐसा चक्कर बना है कि उसे दिखाना पड़ता है कि वो कैसे एक बेगर बन गया है। केविन का कैरेक्टर, जो कि एक नॉर्मल इंसान है, एक ऐसे खेल में फंस जाता है जहाँ उसे लोगों की खुशियाँ के लिए अलग अलग अवतार्स में आना पड़ता है। आजकल की दुनिया में जब लोग खुद को दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये कहानी उसी का एक मजाक है। केविन ने अपने कैरेक्टर्स को बेहतरीन तरीके से निभाया है। उसका हर एक्सप्रेशन, हर डायलॉग एक नई कहानी सुनाता है। ये फिल्म सिर्फ केविन तक सीमित नहीं है, इसमें रेडिंग किंग्सले और अक्षया हरिहरन जैसे सपोर्टिंग एक्टर्स भी हैं, जो स्टोरी को और भी इंगेजिंग बनाते हैं। रेडिंग की कॉमेडिंग टाइम और आकांक्षा की डायमेटिक फेयर से फिल्म में बैलेंस बना रहता है। अब डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी की भी बात कर लेते हैं तो शिवा बालन मुत्तु कुमार, जो इस फिल्म का डेब्यू डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस कहानी को दिखाने के लिए जो विजुअल और डायलॉग्स का इस्तेमाल किया है वो काबिले तारीफ है। उनका डायरेक्शन इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। हर सीन में ह्यूमर का टच और सीरियस मोमेंट्स को कैसे बैलेंस करना है, ये उन्होंने अच्छे से दिखाया है। सिनेमेटोग्राफी भी काफी इंप्रेसिव है। छोटे छोटे मोमेंट्स को कैप्चर करने का उनका तरीका ऑडियंस को इंगेज रखता है। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक सोशल कमेंट्री भी है। ये दिखाती है कि कैसे लोग अपने एस्पिरेशंस को और ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कभी कभी कितना एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। फिल्म हंसी मजाक के साथ साथ एक सीरियस मैसेज भी देती है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने असली स्वभाव से क्यों भटक रहे हैं। कॉमेडी का मजा इस फिल्म में सिर्फ डायलॉग्स तक सीमित नहीं है बल्कि सिचुएशंस भी काफी फनी हैं। केविन का बेगर्स एक्ट और लोगों के रिएक्शंस इस कॉमेडी को और मजेदार बना देते हैं। कभी कभी तो तुम्हारे चेहरे पर हंसी ना आए ये मुमकिन नहीं। जैसे कि मूवी में दिखाया गया है, हर सीन में कुछ ना कुछ ऐसा है जो तुम्हें हंसाने पर मजबूर करेगा। अब बात करते हैं कुछ एनालिसिस की। फिल्म में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां पेसिंग थोड़ी स्लो हो जाती है। कुछ सीन्स में ऐसा लगता है कि थोड़ा और एडिटिंग की जरूरत थी ताकि ऑडियंस की अटेंशन बनी रहे, लेकिन ओवरऑल इस फिल्म का एंटरटेनमेंट वैल्यू इसकी इन छोटी मोटी कमियों से ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर मैं एक प्रो और एक कॉन का जिक्र करूं, तो प्रो है केविन का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और फिल्म का ह्यूमर जो तुम्हें हंसी से लोटपोट कर देगा, और कौन है, फिल्म में कुछ पार्ट्स थोड़े ओवर एक्सपेक्टेड लगते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कॉमेडी पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए जरूरी है। तो कंक्लूजन और फाइनल वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं अब। तो ये थी मेरी रिव्यू ब्लडी बेगर की। अगर तुम्हें कॉमेडी और ड्रामा का परफेक्ट मिक्स चाहिए तो इस फिल्म को मिस मत करना। आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि ये फिल्म तुम्हारे लिए एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस बन सकती है। तो दोस्तों, इसे देखने के लिए तैयार हो जाओ, और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपने ये मूवी देखी है तो कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले मूवी में अगले रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।